शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। माँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है कनक। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे वो देंगी जिसका सपना मैंने बचपन से देखा है। अधीरा तुम्हारा कभी नहीं हो सकता कनक। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों का प्यार। उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम पीछे रहो। ऐसा लग रहा है सुनैना कि मंत्र लेखा को उसकी शक्तियां वापस मिल रही है। हमें जल्दी से इस चमकीली गेंद को नष्ट करना होगा धीराज। अपने बेटे को मारने के बाद भी आप कुछ नहीं पा पाएंगे अधिराज और सुनैना। आप बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हमें वापस मिल गई। अब वो अधिराज और सुनैना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं। अब उन दोनों को हम बद से बदतर सजा देंगे। आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। अब आप भी अपने वादे के अनुसार अधिराज को कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, है ना? अधिराज, इसे पार करने का या रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो सुनैना, क्योंकि हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो ये आग जलने लगी। तो इसे बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। तुम यही रुको, हम देख कर आते। सुनैना, यहाँ कुछ भी नहीं है। सुनैना, अब हमें इसे पार करना होगा ताकि हम उस चमकीली गेंद को नष्ट कर सके। नहीं अधिराज, चिंता मत करो सुनैना, हमारे पास काला अस्त्र है, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। पर आपका शरीर तो जलेगा ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सुनैना, हमें जाना होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है और समय भी बहुत कम है। तो फिर ठीक है, मैं उस आग के घेरे को पार करूंगी। तुम समझा करो सुनैना, हमें जाने दो। नहीं अधिराज, हम समझने की कोशिश की। तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमें जाने दो सुनैना। तुम ना करो हमारी बात को। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं सुनैना? पार चाहे तुम करो या तुम्हारा पति, मरना तो तुम दोनों को है। और बहुत बुरी मौत मरोगे। हिम्मत है तो जाओ, जाकर छूकर दिखाओ उस चमकीली गेंद को। और याद रहे, ये कोई साधारण अग्नि नहीं है। इस पर कदम रखते ही भस्म हो जाओगे तुम दोनों। देव
करने के लिए तैयार हो जाओ सुनैना। उसके बाद हम अधिराज का वो हाल करेंगे कि वो विवश होकर खुद हमें कालस्त्र दे देगा। रक्षा करो। ना ना ना, इस अग्नि पर तुम्हारी अम्बे माँ नहीं बल्कि हम जैसी काली शक्तियाँ ही काबू पा सकती है। सुने ना, तुमने हमसे कहा था ना कि कालस्त्र के अंदर काली शक्तियाँ होती है, तो फिर हमारे भीतर जो कालस्त्र है उससे इस अग्नि पर काबू किया जा सकता है। हाँ धनंजय, आपने सही कहा। पिशाच लोक से तुम नहीं जा सकते अधिराज। अगर सामने आ जाओ तो हम सुनैना को बख्श देंगे, वरना ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। अधिराज, इसको उपयोग कैसे करेंगे? हम नहीं, तुम करोगे। तब तक हम मंत्र लिखा को रोकने का प्रयास करेंगे ताकि वो तुम पर प्रहार ना कर सके। नहीं अधिराज, मैं आपको कालस्त्र के बिना मंत्र लिखा के सामने नहीं जाने दूंगी, वरना वो मंत्र लिखा आपकी जान ले लेगी। सुनने ना, तुम्हें अम्बे माँ पर भरोसा है ना, तो उसे कायम रखो। वैसे भी हमारे पास अग्निवंश शक्तियाँ हैं, वो इतनी आसानी से हमें मार नहीं पाएगी। देखो
हम जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे आज वो घड़ी आ गई। आज हमारा कालस्त्र संपूर्ण हुआ और अब हम निशाकनी नहीं महानिशाकनी कहलाएंगे, सर्वशक्तिशाली महानिशाकनी। सुनो, हार नहीं मान सकते हैं, सुने ना, हमें लड़ना होगा, ये लो। पर मंत्रलेखा ने कालस्त्र ले लिया है तो क्या हो गया? सुने ना, हम साथ में मिलकर किसी भी संकट से लड़ सकते हैं, किसी भी शत्रु को हरा सकते हैं। नहीं अधिराज, उतना आसान नहीं है। असंभव भी नहीं है। सुने ना, तुम मेरी बात को सुनो, हम मंत्रलेखा को उलझा कर रखते हैं और तुम जाकर के उस चमकीली गेंद को नष्ट कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। सुने ना, अपनी शक्तियों पर अभिमान करने से पहले एक बार सोच ले मंत्रलेखा कि हमारी माँ ने तुझे कैसे कैद किया था। कुछ देर के लिए इस मंत्र ने कभी यही रोकना होगा जब तक सुनने ना उस चमकीली गेंद को नष्ट कर दे। नहीं अतराज, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। बात हो गया, अब हम इस कालस्त्र का प्रयोग करके तुम दोनों को खत्म कर देंगे। हमारे रास्ते में आने की, वो कौन थे? सुनो, जाओ जाके कालस्त्र को उपयोग करो। जाओ, कौन है तुम? तुम? हाँ मैं, तुम्हारी प्यारी बहन चंद्रा, चंद्रलेखा। हमारे रास्ते से हट जाओ चंद्रलेखा, तो तुम भी मेरे बेटे के जीवन से दूर चल जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं कि कालस्त्र को पाने के लिए हमने अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ा दी। तो फिर तुम्हारे मुंह बोले बेटे की क्या कीमत हमारे सामने? और लगता है शायद तुम भी ये भूल रही हो कि अपने इसी मुंह बोले बेटे की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें उस आईने से कभी आजाद ही नहीं किया। तो फिर इस बेटे के सामने तेरे जैसी बहन की क्या कीमत है मेरे लिए? जल्दी करो सुनैना, जल्दी से चमकीली गेंद को नष्ट कर दो, जल्दी। अपने बेटे की मृत्यु देखने के लिए तैयार हो जा चंद्रलेखा। कोशिश करके देख ले। याद रहे चंद्रलेखा कि हमारी शक्तियों के आगे तुम्हारी शक्तियाँ कुछ नहीं है। पर तुमने तो महाशक्तिशाली बनने के लालच में अपनी सारी शक्तियाँ उस कालस्त्र में डाल दी और अब वो सुनैना उसे लेकर तुम्हारे प्राण स्रोत की तरफ बढ़ रही। देखो,
जल्दी करो सुनैना, लक्ष्य कर दो उसे। अब हम तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का दोनों का अंत करेंगे। अंत तो तुम्हारा निकट आ गया है मंत्री लेखा। ठीक हो ना सुनैना? मैं तो ठीक हूँ, पर आपको कितनी चोट आई है ना? ये तो कुछ नहीं सुनैना, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? दर्द? हमें दर्द नहीं, गर्व हो रहा है। हमारी साहसी पत्नी ने उस दुष्ट निशाकनी का विनाश जो कर दिया, सुनैना, तो वो आखिर में साहसी है। ये फिर मैंने, हमने, अगर आज आप नहीं होते तो धीराज, वो औरत कौन है और उसने हमारी मदद क्यों की? सुने ना, उसके पास भी मंत्र लेखा की तरह जादुई शक्तियां हैं और सच में उस दुष्ट निशाकनी के विनाश में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें इन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। चलो सुन, सुनिए, आपने हमारी मदद की इसलिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। यदि हम आपके काम आ पाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या आप हमें अपना परिचय नहीं देंगे?
कैसे हो? मैंने तो तुम्हें चलाकर तुम्हारी राह को नदी में प्रवाहित कर दिया था। तुम शायद ये भूल रही हो कि हम डाकिनी, हमें कैद किया जा सकता है या फिर कुछ समय के लिए नष्ट किया जा सकता है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। जिस औरत को हमने मां का सबसे अधिक प्रेम किया उसी ने हमें धोखा दिया, और आज जो दोबारा हमारे सामने आ गया हमें बचाने के लिए, उन्होंने शकनी हमारी जान ले ली। राजा साहब की जय हो। कुछ ग्रामीण आपसे मिलना चाहते हैं, वो लोग बहुत डरे हुए हैं और राजा साहब को कुछ खास खबर देना चाहते हैं डाकिनी के बारे में। हमें कष्ट पहुँचा कर उसका मन नहीं भरा तो ग्रामीणों को क्षति पहुँचाना चाहती है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे।